वीडियो के पिछले भाग में हमने देखा कि मध्य भारत में बहराम और अमीर अली जैसे ठगों का आतंक अपने चरम पर था और ठगी ही उनका पारंपरिक व्यवसाय बन गया था। अगर आपने वीडियो का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो का पहला भाग ज़रूर देख लें। आज हम जानेंगे कि क्रूर और अत्याचारी अंग्रेज़ों के बीच एक अफसर कैसे हिंदुस्तानियों के लिए रॉबिनहुड बन गया जब उसने ठगी प्रथा का दमन कर हजारों लोगों के जीवन की रक्षा की। ठगों के आतंक से परेशान ब्रिटिश राज के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने ठगों से निपटने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया, ठगी और डकैती डिपार्टमेंट। 1822 में इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया मेजर जनरल विलियम हेनरी स्लीमन को और उनका हेडक्वार्टर बना जबलपुर। स्लीमन को पूरी तरह से छूट दे दी गई और साथ में सुरक्षा बलों की टीम भी दी गई। बनारस से नागपुर तक सक्रिय ठगों और पिंडारियों के उन्मूलन के लिए स्लीमनाबाद में स्लीमन ने अपना कैंप लगाया। यहाँ उन्होंने मालगुजार गोविंद से 56 एकड़ ज़मीन लेकर स्लीमनाबाद बसाया था। स्लीमन ने ठगों को पकड़कर यातना या लालच देकर जानकारी इकट्ठा की और कुछ ठगों को मुखबिर भी बना लिया। 1832 में विलियम स्लीमन को ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने के बारे में सूचना मिली। ब्रिटिश फौज अमीर अली के घर पहुंच गई लेकिन तब तक अमीर अली फरार हो चुका था। घर में अमीर अली की माँ व परिवार के अन्य सदस्य मिले तो उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। अमीर अली ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया। काफ़ी पूछताछ के बाद अमीर अली ने बहराम के बारे में पूरी जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी। अमीर अली की निशानदेही पर सन 1838 में बहराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1839 में बहराम ठग के साथ उन सभी कुख्यात ठगों को इसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। 1840 तक करीब 1400 ठगों को इस पेड़ पर फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास। इसके अलावा 1000 के करीब ऐसे भी थे जिन्हें दूर टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि वो भारत ना लौट सकें। ठगी प्रथा के खात्मे के बाद बचे हुए ठग गुरिंदे कहलाए। जिंदा बचे ठगों और उनके परिवारों के पुनर्वास और जीवन यापन के लिए जबलपुर में वर्तमान कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे इन्हें ईंटें बनाना, लाख का सामान, रंग रोगन का सामान, कंबल, गलीचा, कालीन, बुनाई व सिलाई का काम सिखाया गया और बच्चों के लिए रिफॉर्मेटरी स्कूल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ पर जबलपुर का पॉलीटेक्निक कॉलेज है। मुख्य रूप से दरी, गलीचा और कालीन बनाने की ट्रेनिंग की वजह से इस जगह का नाम दरी खाना पड़ा। महारानी विक्टोरिया ने भी यहाँ से 80x40 का एक गलीचा बनवाया था। गलगला के तालाब को सुखाकर एक बाजार बनाया गया जहाँ ये गुरिंदे अपना बनाया हुआ सामान बेचा करते थे। गुरिंदों के लिए बनाए इसी बाजार को आज हम गुरंदी के नाम से जानते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ लोगों की फितरत नहीं बदलती, ये गुरिंदे भी इस बाजार में अपना ठगी और चोरी का सामान बेचने लगे और ये बाजार जबलपुर के चोर बाजार में बदल गया। आज यहाँ हर वो चीज़ मिल सकती है जो दुनिया में कहीं भी और मिलना नामुमकिन हो। स्लीमन की शादी इसी दौरान 21 जून 1829 में हुई लेकिन 3 साल तक कोई संतान ना होने पर उनके किसी शुभचिंतक ने उन्हें यहाँ के एक गांव कोहका में बने हरिदास मंदिर में मन्नत मांगने की सलाह दी। कहा जाता है कि स्लीमन ने जब वहाँ प्रार्थना की तो 1 साल बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई।
अपनी मन्नत पूरी होने पर स्लीमन ने यहाँ एक पीतल का दिया मंदिर में दान किया। यह दिया आज भी इस मंदिर में रखा हुआ है। विलियम हेनरी स्लीमन की याद में स्लीमनाबाद में एक स्मारक भी बनाया गया, लेकिन इसकी देखरेख ठीक से ना होने के कारण आज ये स्मारक गंदगी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। और अंत में हम आपको एक पत्थर दिखाते हैं। ये पत्थर स्मारक के ठीक बगल में लगा हुआ है। इस पर लिखी भाषा हम तो समझ नहीं पाए, यदि कोई इसे समझ पाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर क्या लिखा हुआ है।